फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए अर्जेंट एक ट्रिक को, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन वीडियो और देखते रहिए अर्जेंट एक ट्रिक। हेलो वेलकम गाइस आरजी टेक एंड ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आपको स्मार्टफोन में नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली एंड्रॉइड सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए कम से कम 4 GB का स्पेस की जरूरत होती है, तभी फोन के सभी फीचर्स प्रॉपरली काम करते हैं। अगर फ़ोन की मेमोरी 32 GB की है तो यूज़र्स को उसे 28 GB तक ही भरना चाहिए, क्योंकि 4 GB का स्पेस इम्पॉर्टेंट होता है ताकि फ़ोन स्मूथली वर्क कर सके, लेकिन हम सब उसे पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। अब फिर एंड्रॉयड सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता और वो स्लो हो जाता है, जिससे हैंगिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिससे फ़ोन आपको स्लो नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप आपको करना है, फ़ोन का प्रोसेसिंग को फास्ट रखने के लिए आपको दिन में उसे एक बार रीबूट कर लेना चाहिए, मतलब रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि फ़ोन प्रॉपरली वर्क करे, उसका सारा डेटा रिफ्रेश हो जाए। सेकेंड जो टॉपिक है, फ़ोन में इंस्टॉल शेयर्ड जेंडर जैसी ऐप्स को क्लीन करते रहें। अपने फ़ोन में शेयरिंग फाइल्स के लिए जेंडर जैसे ऐप्स होते हैं उनको क्लीन करते रहें, क्योंकि फ़ोन से डुप्लीकेट और अनवांटेड फुटेज को भी क्लीन करते रहना चाहिए आप। जो फ़ोन के ऐप्स होते हैं उनके कैशे भी क्लियर करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फ़ोन को स्लो करने में। तो मैंने आपको 4 टिप्स दिए हैं। फर्स्ट जो है, पहला आपको फ़ोन को दिन में एक बार रिस्टार्ट ज़रूर करना है। सेकेंड, अपना कभी कभार आपका फ़ोन जब काफ़ी हम हैंगिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम डेटा बैकअप लेके फ़ोन को रीसेट कर देते हैं, जो एक नए तरीके से चलने लगता है, फ़ोन एकदम स्मूथली वर्क करता है। थर्ड जो स्टेप आपको लेना है, फ़ोन में जो शेयर रेट होते हैं जेंडर फाइल शेयरिंग के एप्लीकेशन होते हैं उनका डेटा क्लीन करते रहें, क्योंकि वो भी फ़ोन में डुप्लीकेट और अनवांटेड फुटेज को वो उसमें रहती हैं भरी, जिससे फ़ोन हमारा काफ़ी स्लो हो जाता है। और जो हमारे ऐप्स होते हैं उनका कैशे क्लियर करना है, उसको भी आप क्लियर करते रहें। पहला ऐप शॉपिंग ऐप्स। हम ई कॉमर्स कंपनी के लिए कई शॉपिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ज़्यादा डिस्काउंट देती है। ऐसे में हम काफ़ी मल्टीपल शॉपिंग ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये ऐप्स फ़ोन में सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं और हमारे फ़ोन को स्लो बना देते हैं। मल्टीपल ना रखें, सिर्फ एक रखें, जिससे आपका फ़ोन की मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और फ़ोन स्लो ना हो। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो हैवी गेमिंग ऐप्स हैं, जो फ़ोन में हाई क्वालिटी की गेम हो गई, एंग्री बर्ड्स हो गया, स्पेटेट हो गई, काफ़ी गेम्स हैं, GTA वगैरह, ये हमारे फ़ोन को स्लो कर देते हैं और फ़ोन इनसे काफ़ी हीट भी करता है, जिससे फ़ोन ख़राब होने के भी, क्योंकि बैटरी पर ज़्यादा लोड पड़ता है। जितनी हाई रेटेड गेम्स होती है, जितनी MB की गेम्स होती है, उतना फ़ोन प्रॉपरली वर्क करने में थोड़ा उसे मुश्किल होती है, जिससे हीटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर आपके फ़ोन में 2 GB या 3 GB तक की हैवी गेम्स रखते हैं तो उसे प्लीज़ इंस्टॉल कर दीजिए। तो फ़ोन में विगेट्स रखना कई बार हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के हमें काम की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये फ़ोन को स्लो बना देते हैं। तो फ़ोन में कई विकेट्स रखने से हमारे प्रोसेसर भी स्लो हो जाते हैं, तो ये प्रोसेसर की पावर को तब भी कंज्यूम करते हैं जब फ़ोन लॉक हो या उसकी स्क्रीन ऑफ हो। तो प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा विगेट्स काम नहीं है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर दें। फोर्थ है जो लॉन्चर ऐप्स और थीम्स हम यूज़ करते हैं। फ़ोन में क्रिएटिविटी को अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में हम फ़ोन में तरह तरह के लॉन्चर ऐप्स और थीम्स को डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये फ़ोन की मेमोरी को तो कंज्यूम करते ही हैं और उसे स्लो भी बना देते हैं, क्योंकि फ़ोन के साथ दिए गए वॉलपेपर और थीम्स का यूज़ करना ही फ़ोन के लिए बेस्ट माना जाता है। और अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो भी यही आपको एडवाइस देंगे कि फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर और थीम्स है तो आप उन्हीं का यूज़ कीजिए। एक दो लॉन्चर्स यूज़ करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट डिफरेंट हमें एक बार लॉन्चर हम यूज़ करने लगते हैं तो हमें उसकी हैबिट होने लगती है, तो हम लॉन्चर्स पे लॉन्चर्स चेंज करते रहते हैं, क्योंकि फ़ोन को हम थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाते हैं। अब डेटा क्लीन ऐप्स। जो डेटा क्लीन ऐप्स होते हैं वो स्मार्टफोन की जंक फाइल्स और कैशे क्लियर करके आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने का दावा करते हैं। कैशे क्लियर करने के लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सेटिंग में जाके, स्टोरेज में जाके क्लियर कैशे डाटा क्लियर कर सकते हैं। ये एक सिंपल ऑप्शन है जिससे सारा कैशे आपकी क्लियर हो जाता है। तो आप अगर आप सोचते हैं कि आप डेटा क्लीनिंग ऐप्स रखेंगे तो उससे हो जाएगा काम, ये करते हैं, बट ये आपकी फ़ोन की जो प्रोसेसर है, प्रोसेसिंग है, जो आप फ़ोन आपका स्मूथली वर्क कर रहा होता है उसे स्लो कर देते हैं, जिससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि हम एक ऐप्स डाउनलोड करते हैं, फिर ये दूसरा सजेस्ट करते हैं, फिर हम उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, फिर तीसरा सजेस्ट करते हैं, तो ये ऐसे एक इनकी रेटिंग बढ़ती जाती है डाउनलोडिंग की, और कुछ नहीं होता इसका।
तो रैम को सेव करने का दावा करने वाले ऐप्स फोन को भी स्लो बना देते हैं, साथ ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को भी वीक करते हैं। हमारे फोन का प्रोसेसर इतना पावरफुल होता है कि वो खुद ही फोन की रैम को सेव करता रहता है, लेकिन इनमें थर्ड पार्टी ऐप को फोन से डिलीट करना ही बेटर ऑप्शन माना जाता है। प्लीज उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि जब कंपनी फोन बनाती है तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा रखती है कि आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत ही ना हो, वो प्रॉपरली रैम क्लियर करता जाए। एंटीवायरस ऐप जो होते हैं फ़ोन की सिक्योरिटी का दावा करते हैं कि वो फ़ोन की सिक्योरिटी रखते हैं, पर कई बार हम ये सोचते नहीं कि हमारे हैंडसेट के हिसाब से कौन सा एंटीवायरस हमारे लिए ठीक रहेगा, और हम कई सारे एंटीवायरस ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। थर्ड पार्टी एंटीवायरस ऐप्स डाउनलोड करना फ़ोन की परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों पर हैवी लोड पड़ता है। आजकल की कंपनियां तो हैंडसेट्स के साथ ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स देने लगी हैं जो आपके फ़ोन में से ना सिर्फ वायरस से बचाते हैं बल्कि फ़ोन का डेटा भी साफ रखते हैं, इसलिए एंटीवायरस ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी सेवर ऐप्स जो रैम बूस्टर की तरह बैटरी सेविंग ऐप्स के लिए काम करते हैं, जो देखते हैं कि आपकी बैटरी ऑप्टिमाइज हो रही है, तो ये ऐप भी फ़ोन को स्लो कर देते हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखा है तो प्लीज़ उसे डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने ऐप्स बताए हैं ये सारे फ़ोन की आपकी परफॉर्मेंस बैटरी पर हैवी लोड पड़ता है, जिससे आपका फ़ोन वो स्मूथनेस काम करने के बजाय स्लो हो जाता है और धीरे धीरे वो हैंगिंग प्रॉब्लम देने लगता है। तो अगर आपने ये ऐप्स अपने पास रखे हुए हैं फ़ोन में, अगर आप ज़्यादा इनके इस्तेमाल नहीं कर दें तो प्लीज़ इसे रिमूव कर दीजिए और अपने फ़ोन को लाइट, स्मार्ट और फास्टर रखिए, ताकि आप उसमें प्रॉपरली वर्क कर पाएँ अपना। अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइज़।